वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD3 के स्टार कास्ट में जुड़ चुकी है दिलबर दिलबर फेम नोरा फतेही। वरुण धवन ने ट्विटर पर नोरा का किया स्वैग से स्वागत। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के गले के कैंसर की सर्जरी हुई सक्सेसफुल, इस बात की जानकारी ऋतिक रोशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर दी। फरहान अख्तर ने आज अपना जन्मदिन मनाया और इनके दिन को और खास बना दिया उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शिबानी डांडेकर ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर और पोस्ट डालकर। साथ ही ये खबर भी वायरल हुई कि शिबानी और फरहान ने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली है। साल 2018 में इंडस्ट्री के तीनों खान सलमान, शाहरुख और आमिर की फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। इस पर रणवीर सिंह ने रखी अपनी राय। अगर तू बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, बड़ा मानना है मुझे, ये बात माननी है मुझे। अच्छा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिन फिल्मों में मैंने काम किया है पूरी शिद्दत से किया है, कि उन्होंने अच्छी निकल गई। बहुत अच्छा कमाल का साल रहा मेरे लिए। जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब किसी दूसरी की फिल्म काम नहीं करे। मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसी इंडस्ट्री से हम सबका पेट पलता है, तो सब हार्डवर्क करते हैं और ये मैं जानता हूँ। तो जब किसी की फिल्म चलती नहीं है मुझे अच्छा बुरा लगता है, और अच्छी चल जाती है खास करके खुद की तो बहुत ही अच्छा लगता है। 8 दिसंबर को फेसबुक लाइव के दौरान दीपिका पादुकोण ने अपने फैन से कहा कि अब वो फिल्मों में रानी नहीं बनना चाहती, बल्कि वो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रही है रणवीर सिंह के दिल की रानी बनने के लिए। रणवीर सिंह ने पत्नी दीपिका पादुकोण को लेकर एक इंटरव्यू में कहा कि दीपिका काफी घरेलू है और उन्हें उनकी वो बात बेहद पसंद है। रणवीर ने बताया कि वो दीपिका के लिए हस्बैंड ऑफ द मिलेनियम बनना चाहते हैं। स्पॉट बॉय वेबसाइट पर खबर आई कि रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने AR नाम का गोल्ड रिंग आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को गिफ्ट किया। इससे सवाल उनके एंगेजमेंट रिंग को लेकर उठा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण पर महिलाओं के संबंध में बातें बोलकर फैंस का दिल दुखाया। मामले को बढ़ते देख हार्दिक ने ट्विटर पर फैंस से माफी मांगी। ऐश्वर्या राय बच्चन शायद अभी नाराज है इमरान हाशमी के प्लास्टिक कमेंट पर। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी जिंदगी में उन्हें दो कमेंट्स ने अपसेट किया है, एक फेक और एक प्लास्टिक। आपको याद हो तो 2014 में कॉफी विद करण पर इमरान ने ऐश्वर्या को प्लास्टिक कहा था। आज रिलीज हुआ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गली बॉय का ट्रेलर। मुंबई में रखा गया ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च। रणवीर के रैपर लुक ने क्रिएट किया बज़।